सो हेलो गाइज, और अभी मैं आपको WhatsApp की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आपको WhatsApp का जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी चेंज हो जाएगा, और इसके बाद आप WhatsApp में काफ़ी नई नई चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। सो फिर देखते रहिए इस वीडियो को। Hey guys, दबाइए सब्सक्राइब बटन को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि अगली बार जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो YouTube करे आपको सेंड नोटिफिकेशन, hey, WIDGET tricks just uploaded a new video। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली ट्रिक के साथ, जिसमें अगर आपको मान लीजिए अगर आपने अपने स्टेटस में एक लिंक ऐड करना हो अपने किसी वीडियो का या फिर अपने किसी भी चीज़ का अपने लिंक ऐड करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको WhatsApp को अपडेट करना होगा, और जैसे आप WhatsApp को अपडेट करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस में आने के बाद यहाँ पर आपको एक मतलब एक ऐसा आइकन मिलेगा जिसमें एक पेंसिल बनी होगी। इससे फिर आप अपना कोई भी स्टेटस है उसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर एक लिंक ऐड करना होगा तो सबसे पहले आपको मतलब उस चीज़ का लिंक कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि मैं स्टूडियो ऐप में हूं और मैं अपनी इस वीडियो का लिंक ओपन करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और वहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो ये मैंने अभी लिंक अपना कॉपी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर आके अपना जो भी लिंक होगा वो आपको यहाँ पर सीधे पेस्ट कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे WhatsApp किसी भी लिंक को मतलब शो कर देती है कि इस लिंक के अंदर क्या है, वैसे ही यहाँ पर भी शो कर देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर शो कर, और उसके बाद आप इसको सीधा पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो अगर जो भी आदमी मतलब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो सीधा आपका जो लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद वो अगर आपकी वीडियो का या फिर किसी भी चीज़ का लिंक होगा वहाँ पर वो सीधा चला जाएगा। तो ऐसा ही फीचर Instagram पर भी था और ऐसा ही मतलब WhatsApp में भी अब हो रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी ट्रिक में, जिसमें अगर आपको देखा होगा कि ये जो आपके WhatsApp का विजेट अगर आप यहाँ पर ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने मैसेज अनरीड हैं और कितने मैसेज मतलब कितने आपको नए मैसेज आए हुए हैं, तो वो आप यहाँ से सीधा देख सकते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं इसको एक्टिवेट कर सकूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मतलब अगर आपके पास जो भी डिवाइस है उसमें आपको विजेट्स में जाना होगा, और विजेट्स में आपको यहाँ पर एक WhatsApp का आइकन मिलेगा, जैसे कि ये WhatsApp का आइकन है। उसके बाद आपको इसको सीधा ऐड कर देना है। अब इसकी क्या क्या फायदे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर मैसेज आ चुका है, तो मेरे को इसको पढ़ने के लिए इस WhatsApp में जाने की जरूरत भी नहीं है, और मैं इसको यहाँ से भी पढ़ सकता हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे छोटा कर देता हूँ तो ये मेरे को बता रहा है कि मैंने कितने मैसेज अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं इस WhatsApp विजेट का, मतलब इसे आप अपने अनरीड मैसेज को देख सकते हैं कि आपके WhatsApp में इस वक्त कितने मैसेज पड़े हुए हैं। अब चलिए चलते हैं अपनी तीसरी ट्रिक में, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने मोबाइल में एक से मतलब दो से ज़्यादा अगर WhatsApp यूज़ करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आज तक आपने पैरेलल स्पेस और दूसरी कई ऐसी ऐप्स देखी होंगी जिनमें आप एक से मतलब दो WhatsApp यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस ऐप के साथ जितनी आपने WhatsApp यूज़ करनी होगी वो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं WhatsApp ऐड करूँ तो WhatsApp ऐड होती ही जा रही हैं और मेरे को जितनी भी WhatsApp ऐड करनी होगी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो फिर इस ऐप के साथ आप अपने मोबाइल में एक या मतलब तीन चार पाँच जितनी आपने WhatsApp ऐड करनी हो वो आप सारी कर सकते हैं। तो ये भी मेरे को ऐप काफ़ी अच्छी लगी, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी फोर्थ ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है एन बबल। तो एन बबल में अगर मान लीजिए आपको WhatsApp से कोई मैसेज आता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सीधा बाहर से रिप्लाई कर सकते हैं, आपको बाहर ही सीधी नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे कि मैसेंजर में आती थी। और इसमें अच्छी बात तो यह है कि उस बंदे को पता भी नहीं चलता, मतलब आपका जो लास्ट सीन होता है वो चेंज भी नहीं होता। तो ये भी ऐप मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो सबसे पहले जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो जो भी आपकी मतलब परमिशन होगी वो आप मतलब ग्रांट कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने सारी परमिशन ग्रांट कर दी, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं वो सारी यहाँ पर आती हैं। तो मतलब मेरी जो मोबाइल की मैसेज की नोटिफिकेशन या फिर दूसरी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो सारी यहाँ पर हैं। तो अगर आपको सिर्फ ये WhatsApp के लिए ही चाहिए है तो आपको सिर्फ इसको WhatsApp के लिए ऑन करना है। वैसे तो मैंने सबके लिए ऑन करके रखा है तो मेरी सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रही है। तो अगर मैं यहाँ से इनको सीधा रिप्लाई कर देता हूँ तो ये जो मैसेज होगा इनको सीधा चला जाएगा, और जो मेरा WhatsApp का जो लास्ट सीन है वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी ऐप है अगर आपको मान लीजिए WhatsApp में चैट करनी है आप बिना अपना लास्ट सीन चेंज किए हुए और आपको सीधे मैसेज का रिप्लाई बाहर से करना है, तो ये भी काफ़ी अच्छी ऐप है।
चलिए चलते हैं अपनी फिफ्थ ऐप की तरफ, जिसका नाम है व्हाट्सएप मैसेज स्केड्यूल, मतलब SQ एडिट। तो इसमें है क्या कि आप अपने मतलब किसी बंदे को अगर आपने मैसेज स्केड्यूल करना है कि जैसे सुबह 8 बजे उसको कोई मैसेज भेजना है या फिर किसी भी टाइम पर उसको कोई मैसेज भेजना है, तो आप यहां से वो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। यहां पर ऊपर आपको सबसे पहले वो मतलब टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा कि आपको किसको मैसेज भेजना है। तो यहां से मैं किसी को सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां से मैंने एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर जो भी आपको मैसेज लिखना होगा वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके साथ अगर आपको कुछ अटैच करना होगा तो वो आप अटैच भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्केड्यूल में जाना है और आपको टाइम सेलेक्ट करना है कि मेरे को कितने टाइम बाद वो मैसेज भेजना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करके इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ और थोड़ी ही देर में ये मैसेज इसको चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्केड्यूल कर देना है और अब ये जो मैसेज है वो यहाँ पर चला गया। तो ऐसे मतलब आप व्हाट्सएप में किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। और तो जैसे कि देख सकते हैं अभी 8:34 हुए और वो मैसेज इसको जा चुका है। तो ऐसे ही आप व्हाट्सएप में अगर किसी को स्केड्यूल करके मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप इसको मैसेज भेज भी सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपनी फिफ्थ ट्रिक की तरफ, जिसमें मतलब अगर आपको अपने व्हाट्सएप में फोटो हाई रेजोल्यूशन पर भेजने हैं तो आपको उसका मतलब जो भी हम पहले क्या करते थे उसके पीछे TXT लिख देते थे, लेकिन अब आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसको एक फ़ोटो भेजना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना हो, जैसे कि हम जो फोटो भेजते हैं वो गैलरी से जाते हैं और यहां से मैं इसको एक फ़ोटो भेज देता हूं। जैसे कि अगर मैं इसको फोटो को यहां से भेजूंगा तो अब क्या होगा कि व्हाट्सएप इसको कॉम्प्रेस कर देगी और इसका जो रेजोल्यूशन होगा वो कम हो जाएगा। तो आप दरअसल इसको गैलरी के बजाय इसको डॉक्यूमेंट्स में जाइए और डॉक्यूमेंट से आपको वो फोटो सेलेक्ट करना होगा कि मैंने वो फोटो कहाँ पर रखा है, और फिर अगर आप इस फोटो को भेजते हैं तो इसका जो रेजोल्यूशन होगा वो वैसा का वैसा ही आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर मैं रीसेंट से भी जाता हूँ तो मेरे जो भी IMG है, जैसे कि इमेज फाइल अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अब जब मैं इसको मैसेज को सेंड करूँगा तो जाएगा तो ऐसे कि JPG फॉर्मेट में जा रहा है, लेकिन अगर वो इसको ओपन करेगा तो सीधे वो इस फोटो को देख सकता है। तो इस तरीके से अगर आप किसी को फोटो भेजते हैं तो वो हाई रेजोल्यूशन में जाएगा, वीडियो भी हाई रेजोल्यूशन में जाएगी, और ये भी एक काफ़ी अच्छी ट्रिक है। आपको पीछे मतलब TXT लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ओपन करूँगा तो जो भी इसके अंदर इमेज होगी वो सीधे की सीधे ओपन हो जाएगी और उसको मैं सीधे के सीधे यहाँ पर देख सकता हूँ। और चलिए अब चलते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ, जिसमें है कि अगर आपको मान लीजिए व्हाट्सएप में किसी से चैट कर रहे हैं लेकिन अगर आपको चैट मतलब किसी अलग लैंग्वेज में करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। आप यहां पर आपको सबसे पहले Gboard इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि गूगल का कीबोर्ड है। तो Gboard इंस्टॉल करने के बाद आपके यहां पर एक ऑप्शन आएगा, ऐसे एक गूगल बना होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर यहां पर एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब डिटेक्ट लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज आपने लिखनी होगी वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। अब मैं यहाँ पर अगर स्पेनिश में लिखता हूँ डेस्पेसिटो, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने डेस्पेसिटो स्पेनिश में लिखा तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसको स्लोली कर दिया। तो आप ऐसे ही यहाँ पर हिंदी में लिखकर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिखकर इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप किसी से भी मतलब अगर आपको अलग लैंग्वेज में चैट करनी है तो आप यहां से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर हिंदी और इंग्लिश में चैट करके दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं अगर हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ तो मैं नीचे लिख रहा हूँ कैसे हैं आप, तो वो ऊपर सीधा ही लिख दे रहा हाउ आर यू। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है और अगर आप हिंदी में लिखकर इंग्लिश में चैट करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसे चैट कर सकते हैं। तो ये भी मेरे को इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बोनस ट्रिक में मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको व्हाट्सएप का जो आइकन है अगर आपको वो एनलार्ज करना है, मतलब आपको वो काफी बड़ा करना है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहां ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है जॉइंट टिकॉन। तो इसको आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको विजेट्स में आना होगा और आपको इस ऐप को ढूंढना पड़ेगा। तो ये ऐप सबसे जैसे कि यहाँ पर ये ऐप है, इसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर एक व्हाट्सएप का आइकन भी होगा, यहाँ पर सारे ही आइकन्स होते हैं। तो मैं व्हाट्सएप का आइकन अभी बड़ा करने वाला हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन ढूंढना है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्हाट्सएप का आइकन है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा बड़ा करना है तो आप इससे भी सबसे पहले आप इसको इससे भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसको से भी ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही व्हाट्सएप का आइकन बड़ा कर सकते हैं और उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपके व्हाट्सएप को ओपन कर देगा। तो ये भी काफी अच्छी ट्रिक है। तो आप एंड तक रुके रहे इसलिए मैंने आपको एक नई ट्रिक भी बता दी। सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियोस हमेशा लाता रहूं। सो गुड बाय, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। We'll be right back.